नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है लगातार उत्तर प्रदेश में आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने के लिए प्रयासरत। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो है लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किस तरीके से अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, तमाम योजनाओं का शिलान्यास एक बार में ही कर दिया था, चाहे वो फ्री में चावल बांटना हो, बेटी को अनुदान देना हो, तमाम योजनाएं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ योजनाएं बंद हो गई। लेकिन अब जो है 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो काफी ज्यादा करीब आ चुका है और लोकसभा की 80 सीटें होने के नाते उत्तर प्रदेश का एक काफी बड़ा महत्व है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो अब योगी सरकार ने किसानों को लेकर के एक बड़ा फैसला कर दिया। किसानों को लेकर के योगी सरकार के फैसले से जो है किसान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक अलग यूनिक आईडी बना करके जो है किसानों को आधार से जोड़ने का काम किया है और अपने आप से जो है उत्तर प्रदेश सरकार से जोड़ने का काम किया है। ये पहल जो है योगी आदित्यनाथ की काफी सराहनीय है, इसकी काफी ज्यादा सराहना हो रही है। वहीं कुंडा से जो विधायक है राजा भैया वो उन्होंने भी जो है इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ का आभार प्रकट किया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है एक अच्छी पहल कर रहे हैं, इससे कुंडा के किसानों को भी जो है काफी ज्यादा फायदा होगा। राजा भैया के कुंडा में भी जो है किसानों की संख्या काफी ज्यादा है, यही कारण है कि किसानों को एक अलग यूनिक आईडी बनाकर आधार कार्ड के जरिए सरकार से जोड़ने की जो ये योजना है इसके लिए राजा भैया ने योगी आदित्यनाथ का आभार किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे नेक्स्ट टाइम।